हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में नेक्स्ट डे जो भी लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसे नोट डाउन करते हैं। क्यों? ताकि आप इन लेबल्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट डे अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सकें। दोस्तों, साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में, वो ट्रेड हमने क्यों लिया, हम उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। जो टेक्निकल्स उसके बारे में होते हैं वहां पे हम डिस्कस करते हैं, और साथ में इस चैनल के ऊपर में आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी मिलते रहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स का डिस्कशन। सो दोस्तों, कुछ दिन से अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपने क्लियर कट देखा होगा कि हमारी शुरुआत हम इंडिया वीक से ही करते हैं, और इंडिया वीक फिलहाल के टाइम में बढ़िया इंडिकेशन दे रहा है। पिछले दो दिनों से बढ़िया इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ बढ़िया इंडिकेशन, बिकॉज पिछले दो दिन से यहाँ पर रेड कैंडल देखने को मिल रहा है, और ये रेड कैंडल जैसे जैसे नीचे जा रहा है, मार्केट उतना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, उतना कॉन्फिडेंट होते जा रहा है मार्केट, और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। सो इंडिया, अगर इंडिया वीक की तरफ देखें, 71.43 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर हमने 67 पॉइंट्स, जो अगर यहाँ इसके नीचे हमने काम करना चालू किया, सो आप ये समझ के चलिए शॉर्ट टर्म में हमने बॉटम बना लिया है और मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। सो उस तरह से हम हमारे ट्रेड्स ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी का और निफ्टी 50 का, उन्होंने किस तरह से काम किया आज के दिन में। सो दोस्तों, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर में अच्छी खासी हमें बढ़त देखने को मिल रही है। ये बढ़त क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि एक फाइनेंशियल स्टिमुलस का आइडिया था, या बोले कि उम्मीद थी हमें गवर्नमेंट की तरफ से कि आने वाली है। क्यों आने वाली थी? क्योंकि यूएस के अंदर में ट्रंप सामने दे दिया था। सो उस तर्ज पे हम पिछले तीन दिन से बढ़िया मूवमेंट दिखा रहे हैं। आज ये फाइनेंशियल स्टिमुलस आ भी गया, फाइनेंशियल जो हेल्प है वो आ भी गया आज के दिन में, पर आने के बाद में मार्केट ने थोड़ा अलग ढंग से रिएक्ट किया हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पर देख लेते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का आज के हिसाब से पोजीशन हुआ है। सो 8641 पे क्लोज हुआ है निफ्टी 50, और बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 19613 पे। लास्ट थ्री डे से कंटिन्यू यहां पे हमें लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रहा है। आज ओपनिंग हुई है निफ्टी की 8451 पे, लो बनाया है 8304 का, हाई बनाया 8749 का, एंड क्लोज 323 पॉइंट अगेंस्ट द क्लोजिंग ऑफ 8317। पूरा दिन भर में 445 पॉइंट्स का मूवमेंट देखने को हमें मिला हुआ है निफ्टी के अंदर में। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, तो क्लोजिंग बढ़िया है 19613 का, ओपनिंग हुई 18781, लो बनाया 18364 का, हाई बनाया 20409 का, और दिन भर के अंदर में स्विंग किया है 12045 पॉइंट्स का। अच्छा स्विंग है, फिलहाल विक्स को देखते हुए इतना मूवमेंट तो बनता ही है, इतना मूवमेंट होना ही चाहिए था। So, दोस्तों, दोनों ने क्लोजिंग किस ढंग से दी है हम इसके ऊपर में चार्ट पे डिस्कशन करेंगे, पर बात करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो मैंने आज दिन भर के अंदर में कुछ 6 ट्रेड्स लिए थे, और उस 6 ट्रेड में से दो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने वो ट्रेड शेयर किए थे। इनफैक्ट एक और ट्रेड शेयर किया था, लेकिन वो ट्रेड बहुत ही क्विक था, इसके लिए उसमें कोई पोजिशन कोई मुझे नहीं लगता किसी ने बनाई होगी, और वो ट्रेड का था 18500 CE का था, उसमें कुछ 100 पॉइंट्स मैंने बुक किया। So, 20,000 CE हमने खरीदा कितने में था? हमने खरीदा था लगभग 143 रुपीस के आसपास में, एंड जब तक ये शेयर ट्रेड शेयर होता है ये 180 के आसपास में काम कर रहा था, पर उसके बाद में भी इसने 160 तक आया नीचे, और उसके बाद इसने जो हाई बनाया आज का दिन का वो लगभग 513 पॉइंट्स का था। मैंने कितना प्रॉफिट बुक किया इसके अंदर में? मैंने प्रॉफिट 150 प्लस पॉइंट का प्रॉफिट इसमें बुक किया हुआ है। सेकंड ट्रेड मैंने शेयर किया था 19,000 PE का, जो सेलर है वो सेल कर सकते थे, सो ये मैंने सेल किया था 229 में, एंड इसे मैंने स्क्वायर ऑफ किया 10 रुपीस में। सो यहाँ पे लगभग अगर आप देखें तो 219 पॉइंट्स का मुनाफा मैंने यहाँ पे भी बुक किया, 100 पॉइंट्स का मुनाफा मेरा बुक हुआ था जो मैंने एक और ट्रेड के बारे में बात किया, तो आज का दिन काफी प्रॉफिटेबल हुआ। दोस्तों, ये जो ट्रेड होता है ये मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ लोगों के साथ में। सो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हैं, बढ़िया बात है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं, सो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होता क्या है
कि टेलीग्राम चैनल पे मैं रोज मॉर्निंग में अपना व्यू शेयर करता हूँ और उस व्यू के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ। मेरे जो भी ट्रेड्स होते हैं 5-6 ट्रेड्स मैं दिन भर में लेता हूँ, लेकिन उनमें से एक दो ट्रेड मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप फॉलो कर सकते हैं, उसे फॉलो करके अगर प्रॉफिट बुक करने लायक है तो डेफिनेटली प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। कुछ स्टॉक्स जिसके बारे में हमने कल बात किया हुआ था स्टॉक्स के अंदर में, जिसका हमने रिकमेंडेशन नहीं बोलेंगे लेकिन जिसके अंदर में आज मैंने ट्रेड लिया उसमें से, उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ और ये कल के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। सो दोस्तों शुरुआत करते हैं बाटा से। सो बाटा के बारे में हमने कल बात किया हुआ था कि अगर मार्केट अप जा रहा है तो आपको 1233 और उसके ऊपर गया तो 1297 का एक बार टारगेट देखने को मिल सकता है, और अगर लो जाता है तो 10040 के आसपास में जा सकता है और 10082 का हमारा स्क्वायर ऑफ होना चाहिए इन केस ऑफ लॉन्ग। हम गए कहां तक, हम 1260 के ऊपर गए हुए हैं। सो मैं ऐसा बोल सकता हूं बाटा के अंदर में हमारा जो प्रॉफिट था, ये हमारा प्रॉफिट बुक हुआ है बाटा के अंदर में। चलिए बात करते हैं सेकंड शेयर के बारे में, रैमको सीमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। रैमको सीमेंट में हमने क्या बात किया था, रैमको सीमेंट के अंदर में अगर मार्केट अप हुआ तो 530 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, 560 तक भी जा सकता है, अगर फॉलो तो 475 एंड 460 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। रैमको सीमेंट ने कहाँ तक गया है, रैमको सीमेंट आपका 535 तक का लेवल्स हमें देखने को मिला हुआ है। सो रैमको सीमेंट के अंदर में भी हमने आज के दिन में प्रॉफिट बुक किया हुआ है। सो रैमको सीमेंट ये प्रॉफिटेबल ट्रेड हमारा निकला। कल हमने मुथूट फाइनेंस के बारे में भी बात किया हुआ था, और मुथूट फाइनेंस के बारे में बात करते समय जो हमने टारगेट लिया हुआ था कि अगर ऊपर गया तो 655-713 के लेवल्स हो सकते हैं और नीचे आया तो 499 और 510 के लेवल्स मिल सकते हैं आपको। इन दोनों में से कोई भी ट्रेड इसने क्लिक नहीं किया, कोई भी लेवल्स नहीं दिखाया। हाँ, ऊपर की तरफ 626 तक हम 630 तक देख सकते हैं, नीचे की तरफ 584 तक आया था, लेकिन कोई भी इसके अंदर में हमें टारगेट अचीव होता हुआ नजर नहीं आया हुआ है। ओके, और जो कैंडल बना हुआ है वो कैंडल भी देखने लायक है, कैंडल डोजी बना हुआ है, यानी इंडिसेसिव यहाँ पे अभी भी कंटिन्यू है। कल के दिन में भी ये ट्रेड आप ले सकते हैं, अगर आपको ये ट्रेड लेना रहेगा तो कल के दिन में भी ये ट्रेड के लिए आप जा सकते हैं। क्लोजिंग ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास में, 606 के आसपास में, कल 596 पे क्लोजिंग थी हमारी। सो ये 696 पे ये जो ट्रेड है ये कल के लिए भी एक्टिव रहेगा मुथूट फाइनेंस के बारे में। ओके, सो ये हमारे तीन ट्रेड थे जिसमें से दो ट्रेड हमारे हिट हुए हैं, एक ट्रेड के अंदर में कोई पोजीशन बनती हुई नजर नहीं आई लेकिन वो कल के लिए ओपन है। चलिए बात करते हैं इन डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी का, और इसे हम बेसिकली कैसे देखेंगे, हम देखेंगे लेबल्स के ऊपर में कि क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस लेबल्स नजर आ रहे हैं। सो दोस्तों अगर निफ्टी के बारे में बात करें तो इन लेबल्स के बारे में हम काफी दिन से बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ये लेबल्स अभी भी उतने ही स्ट्रांग है, उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले हुआ करते थे। पहले आई मीन टू से अभी भी लेबल्स में कुछ खास फर्क नहीं आया हुआ है। सो अगर आप क्लोजिंग देखेंगे बैंक निफ्टी, माफ करिए हम निफ्टी की बात कर रहे हैं। सो अगर आप क्लोजिंग देखेंगे निफ्टी की, तो मैं दो दिन से बोल रहा हूँ, दो दिन कंटिन्यू वीडियो में देख रहा हूँ कि पहली क्लोजिंग 8344 के ऊपर की चाहिए ताकि हमें ये विश्वास हो जाए कि हम बुल्स रन में वापस जा रहे हैं, एंड सेकंड क्लोजिंग शुड बी अबव 8653। आज की क्लोजिंग लगभग लगभग उसके आसपास में है, और कल क्या हो सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? पिछले तीन हफ्ते से कंटिन्यू फ्राइडे को बड़े मूव्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और कल भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बड़े मूव देखने को मिलेंगे। अब ये बड़े मूव किस तरफ रहेंगे वो देख लेते हैं एक बार। 15 मिनट्स का चार्ट ओपन करते हैं, 15 मिनट्स के अंदर में समझ में आएगा कि आज निफ्टी ने किस ढंग से काम किया दोस्तों। तो अगर 15 मिनट्स के बारे में हम बात करें, सो आज 26 का ट्रेडिंग बेसिकली एक रेंज ट्रेडिंग ही देखने को मिल रही है, जो हमने रेंज की बात कर रहे हो रेंज के अंदर में दिख रहा है, लेकिन जैसे स्टिमुलस का अनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद में मार्केट में थोड़ा करेक्शन देखने को, बैंक निफ्टी पे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है इनफैक्ट, तो मार्केट में थोड़ा करेक्शन देखने को भी मिल रहा है। सो इससे क्या बोला जा सकता है, इससे ये बोला जा सकता है कि शायद से जो स्टिमुलस ऑफर किया गया है वो मार्केट ने इतना पचाया नहीं है। हाँ, आज शाम तक उसके फाइन प्रिंट्स आ जाएंगे, विल गो थ्रू इट, एंड देन उसके बाद में जो रिजल्ट कल हो सकता है उसके ऊपर रिएक्शन कल देखने को मिलेगा। बट आई फील स्टिमुलस इतना ज्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं समझ में आ रहा, शायद से कुछ सोसाइटी का एक कोई कैटेगरी छूट गया रहेगा या व्हाटएवर, विल सी दैट। शाम को उसके फाइन प्रिंट शाम तक आप सबके पास में आ जाएंगे। सो अगर उसके अंदर से जो हमें पॉजिटिविटी मिलेगी तो कल मार्केट ऊपर रहेगा, 8962 के लेवल्स देखने को मिलेगा, 8900 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, टिकेगा नहीं टिकेगा वो एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन ये लेवल्स पॉसिबल बनते हैं। एक यहाँ पे आप जो 8770 है वो लेवल मान के चलिए एक बार आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, 8817 की बात कर रहा हूँ मैं।
So here comes 8,870, 78 के आसपास में लाइन बनी हुई, तो ये हमारे लिए लेबल्स का काम करेगा। अभी भी रेजिस्टेंस क्या है, सिंस हमने क्लोजिंग दिया लगभग 8,650 के आसपास में क्लोजिंग दी है, सो हमारे लिए सपोर्ट का काम करने वाला है 8,300, 8,071, 9,109, 8,344, 8,469 एंड रेजिस्टेंस का काम क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम हमारे लिए ऊपर 8,962 करने वाला है, उसके ऊपर नीचे 8,781 भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा एंड 9,200 भी बढ़िया रेजिस्टेंस दिख रहा है, 9,150 से लेके 200 के बीच में आपको बढ़िया रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा एक बार। सो ये हो गया निफ्टी के बारे में, निफ्टी का रेजिस्टेंस हमने देख लिया, कैंडल के हिसाब से बना है, ग्रीन कैंडल है, बढ़िया दिख रहा है, थोड़ी सी रिकवरी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 8,781 तक, 8,950 तक एक बार जाना चाहिए निफ्टी को, उसके पहले हम रिवर्सल लें, उसके पहले हम नीचे आने की कोशिश करें, तो एक बार जाना चाहिए वहां पे। ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन चेन में किस तरह का पोजीशन बनता हुआ नजर आ रहा है। सो अब सिंस ये फाइनेंशियल ईयर हमने खत्म कर लिया, मार्च हमने खत्म कर लिया, सो एंटरिंग न्यू फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 का कॉन्ट्रैक्ट अब हमें मिलने वाला है और हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जिस हिसाब से विक्स काम कर रहा है, जिससे मार्केट वोलेटाइल है, खास पोजीशन कुछ नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक चीज जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो है हमारा मूवमेंट कितना हो सकता है कल के दिन में नहीं, इनफैक्ट इस वीक के अंदर में हमारा मूवमेंट कितना हो सकता है। सो दोस्तों अगर मूवमेंट की बात करें तो एक बार स्ट्रैडल चेक कर लेते हैं, उसके लिए स्ट्रैडल देखें अगर, सो लगभग कितने पॉइंट्स का नजर आ रहा है, 365, 413, सो लगभग 800 पॉइंट्स का स्ट्रैडल नजर आ रहा है, 800 पॉइंट्स से थोड़ा सा कम है, लेकिन 800 पॉइंट्स का स्ट्रैडल नजर आ रहा है, यानी पहले तो स्ट्रैडल के हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि जो निफ्टी है वो आपको 8,600 से यानी 7,800 से लेके ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आपको लगभग 9,400 का आपको रेंज दिखा सकता है इस वीक के अंदर में। सो वीक का जो रेंज है 7,800 से 9,400 के बीच का नजर आ रहा है। अब देखिए 7,800 के आसपास में पोजीशन क्या बनी हुई है, 8,000 पे बढ़िया, क्योंकि ये ग्राउंड फिगर है, इसके साइकोलॉजिकल लेवल भी है, एक बढ़िया हमें यहाँ पे राइटिंग देखने को मिल रही है, राइटिंग इन द सेंस इनसे बढ़िया पोजीशन हमें देखने को, और आज के दिन में अच्छा एडिशन हुआ है, क्योंकि आप ऐसा मान के चल रहे कि शायद 8,000 देखने को ना मिले, अभी तो कल मालूम होगा क्या होने वाला है हमारे साथ में। 6,72 का पोजीशन 8,500 पे भी है, अगेन राउंड फिगर है 8,500, तो वहां पे भी हमें एक पोजीशन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी राइटिंग होते हुए नजर आई हुई है हमें। आप देख सकते हैं बड़ा स्कैटर्ड सा डेटा दिखाई दे रहा है, कहीं पे हमें एडिशन दिखाई दे रहा है, कहीं पे राइटिंग देखने को, कहीं लॉन्ग बना हुआ दिख रहा है, और थर्ड पोजिशन की बात करूं तो 6,92 यानी अभी भी लोग कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं 7,000 के ऊपर में राइटिंग कर रहे हैं, अभी भी 78 रुपीज के आसपास वहां पे प्रीमियम चल रहा है। So, ये हो गया पुट साइड में, तो पुट साइड के अंदर में अभी जो 8,500 एक रेंज नजर आ रहा है। अब बात करें कॉल साइड में, तो कॉल साइड में 6,93,000 का ओपन इंटरेस्ट 9,000 के ऊपर में, और यानी अब जब हम ऊपर बढ़ना चालू करेंगे डेफिनेटली 8,700, 8,800, 8,900 तो ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी, लेकिन फिलहाल के टाइम पे जो समझ के चलिए जो पोजीशन 9,500 के ऊपर में 9,000 के ऊपर में देखने को मिल रही है। रेंज क्या हो सकता है दोस्तों, रेंज फिलहाल के टाइम पे 8,500 से लेके 9,000 तक का, और अगर मैं छोटे रेंज की बात करूं तो 8,700, बट हम क्या छोटे रेंज में काम कर रहे हैं, नहीं, हम छोटे रेंज में बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। सो अगर हम छोटे रेंज में काम नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए 1000 पॉइंट का रेंज ही निकल के आता है, जो कि 8000 से 9000 के बीच का हो सकता है। अब 300-400 पॉइंट मूवमेंट निफ्टी के लिए फिलहाल के टाइम में मामूली बात है, सो डेफिनेटली 8200 से लेके आप 8900 तक का मूवमेंट कल के दिन में देख सकते हैं। ये हो गया निफ्टी के बारे में बात, चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। सो दोस्तों बैंक निफ्टी, मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी वीक नजर आ रहा है, और आज देखिए जैसे ही इस लेवल को तोड़ा है बैंक निफ्टी ने, बैंक निफ्टी के अंदर में आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। इनफैक्ट जब हमने चार्ट के ऊपर बात कर रहे, जब हम बात कर रहे थे होम पेज के ऊपर में, सो वहां पे हमने क्लियर बात किया हुआ था कि 2045 पॉइंट्स का ग्रोथ देखने को मिला है। सो बैंक निफ्टी में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन जैसे ही फाइनेंशियल स्टिमुलस अनाउंस हुआ है यहाँ पे हमें नीचे जाते हुए भी हम नजर आ रहे हैं। सो बैंक निफ्टी काम ठीक कर रहा है, देखना पड़ेगा यहाँ पे अब हमें किस तरह से हम रेजिस्टेंस प्ले करते हैं, क्योंकि 19,214 पे एक सपोर्ट हमने सोचा था, 18,598 पे एक सपोर्ट सोचा था, ये दोनों जगह पे हमने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ काम करना चालू किया है। लगभग 20,400 हम पहुंच भी गए थे, 20,565 के आसपास में हमारे पास में रेजिस्टेंस भी था, सो वहां से हम रिवर्स भी हुए हैं। अब
मैंने आज के दिन में तीन ट्रेड, मैं तीसरा ट्रेड के बारे में बात नहीं करूंगा, दो ट्रेड क्यों लिए थे मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं। सो एक ट्रेड मॉर्निंग के अंदर में जो मैंने लिया था, मेरा बुलिश कॉल था कि 20,000 तक मार्केट जाता हुआ दिख रहा है। सो वो एक तो इंडिया वीक्स की गिरने की वजह से था, और दूसरा जिस तरह से सपोर्ट टूटा हुआ था 19,214 का, इसमें चक्कर में ऐसा लग रहा था कि 20,000 तक हम इजिली पहुंच जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस 20,000 तक ही दिखाई दे रहा था। सो एक तो इसलिए मैंने कॉल लिया था। सेकेंड देन वाई आई सोल्ड 19,000, बिकॉज ऊपर की तरफ जब जाने लगे हम, तो यहाँ पहले तो देखिए नीचे यहाँ पे आपको सपोर्ट समझ में आ रहा था कि हाँ यहाँ पे हम सपोर्ट के आसपास मिल रहे हैं, 19,600 के पास में है। जो मेरा सपोर्ट लाइन था जिसको स्ट्रॉन्गली तोड़ा था वो 19,200 था, तो इतना था कि अगर नीचे की तरफ गए तो 19,200 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, सॉरी एक्ट एज अ सपोर्ट, और वहां से आपको अच्छा वहां से ग्रोथ देखने को मिल सकता, तो वो देखने को भी मिला हमें मार्केट के अंदर में। सो बेसिकली ये दोनों ट्रेड लेने के पीछे जो रीजन था, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्यों लिया 20,000 का कॉल, क्योंकि अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, अच्छा खासा यहाँ पे आप कैंडल देख सकते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे आपको 20,000 का टारगेट नजर आया है। एंड 19,000 क्यों सेल किया, क्योंकि मार्केट के अंदर में अगर मार्केट नीचे गिरता 19,200 पर सपोर्ट था। सो हो सकता है मेरे कुछ टीम मेंबर्स, आई मीन टू से हो सकता है जो मेरे टेलीग्राम चैनल, उन्होंने सेल कर दिया हो, लेकिन आई वाज श्योर कि 19,200 के नीचे आते ही सपोर्ट मिलना चाहिए। सो सपोर्ट भी मिला वहां पे, उसके बाद में ग्रोथ देखने को मिला, बिकॉज ऑफ दैट आई सोल्ड इट अराउंड 10 रुपीस। डेली कैंडल देख लेते हैं, बैंक निफ्टी ने डेली कैंडल के हिसाब से काम किया हुआ है, अच्छा कैंडल देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे, लेकिन ऊपर से हमें बिकवाली भी देखने को मिल रही है थोड़ी सी। सो रेजिस्टेंस है अभी भी, रेजिस्टेंस आप नहीं बोल सकते कि रेजिस्टेंस नहीं है, नीचे की तरफ बढ़िया सपोर्ट हुआ 19,214, कल हमने इसके ऊपर बात किया था कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ और देन 18,598 के ऊपर में अगर हम क्लोजिंग कर लेते हैं, तो एक बार हम ऐसा समझ के चलना चाहिए कि हम ऊपर की तरफ जाना चालू कर लें। आज हमने उसके ऊपर में क्लोजिंग दे दी है, 19,500 के आसपास हमने क्लोजिंग दी है। सो क्या बुल रन कंटिन्यू हुआ, नहीं, आई डोंट फील सो, आई एम एक्सपेक्टिंग 20,565 से एक बार रिवर्सल होना चाहिए, एक बार 20 तो ऊपर की तरफ मुझे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, पर 20,139 20,565 का रेजिस्टेंस अभी भी इंटैक्ट है। सपोर्ट कहाँ मिलेगा मुझे, सपोर्ट मुझे 19,214 18,598 7, ये जो लेवल्स दिख रहे हैं इसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। सो सपोर्ट भी दिख गया, रेजिस्टेंस भी दिख गया हमें निफ्टी के, बैंक निफ्टी के अंदर में। एक मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एक बार हो सकता है रिवर्सल देखने को मिले, रिवर्सल देखने को इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि जो स्टिमुलस, मेरे ख्याल से जो स्टिमुलस अनाउंस हुआ है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। लेट्स सी कैसा होता है, अगर इतना, अगर हमने 1,00,000 करोड़ के ऊपर की बात की हुई है तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी पे उसका असर पड़ेगा, यहाँ पे देखने को मिल सकता है हमें। चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर में कि बैंक निफ्टी के हिसाब से काम कर सकता है कल के दिन में, और क्या पोजीशन बनते हुए दिख रही है बैंक निफ्टी के अंदर में। सो दोस्तों बैंक निफ्टी अगेन विल गो फॉर द 1st अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट, ओनली आज का कॉन्ट्रैक्ट है, 1st अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर में, और क्लोजिंग दी हमने 19,656, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, इनफैक्ट कुछ भी नहीं है। सो जो यहाँ पे आपको पोजीशन दिखाई दे रही है बहुत ही मामूली पोजीशन दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे आप कॉल साइड में भी कुछ खास पोजीशन नहीं है, पुट साइड में भी नहीं है, 22,000 पे राइटिंग होती नजर आ रही है, एक्सपेक्टिंग थोड़ा सा ऊपर अच्छी राइटिंग देखने को मिले तो 15,000 पे राइटिंग है ठीक ठाक जो है। सो बहुत बड़ा रेंज है 15,000 से लेके 22,000 का, 7,000 की रेंज में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट इतना नहीं होना है। कल इसमें कुछ क्लियरिटी मिलेगी हमें तो कल हम उसके ऊपर बात करेंगे, बट देख लेते हैं स्ट्रैडल क्या बात कर रहा है, स्ट्रैडल के हिसाब से इस वीक के अंदर में क्या मूवमेंट देखने को हमें मिल सकता है। हमने क्लोजिंग दिया 19,650 के ऊपर, आई फील 19,656 के ऊपर में हमने क्लोजिंग दिया है। सो 19,700 पे तो कोई पोजिशन नहीं दिखे, तो विल कंसिडर दिस ओनली फॉर दिस स्ट्रैडल। एंड 1,500 1,400 2900 पॉइंट्स का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इजी है बैंक निफ्टी के लिए 2900 पॉइंट्स का, लेट्स से 3000 पॉइंट्स का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो रेंज कहां से 16,600 से लेके आपको 19,600 है, तो 22,600 तक की रेंज नजर आ रही है फिलहाल मार्केट के अंदर में। और अब देखिए लगभग यही है कुछ 15,000 से 22,000 का रेंज लगभग उसी के रेंज के आसपास में नजदीक आ रहा है। सो बैंक निफ्टी फिलहाल हमें ऑप्शन चेन पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, इतना कुछ खास क्लैरिटी नहीं है, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस। और बैंक निफ्टी का जो रेंज है उसको यहीं से हम समझने की कोशिश करेंगे, और इस लेबल्स को ध्यान में रखिए इस हिसाब से काम होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन में कुछ स्टॉक्स जो काम कर सकते हैं। तो पहला मुथूट फाइनेंस, ऑलरेडी मैंने बात किया इसके बारे में, 696 पे काम कर रहा है फिलहाल, 606 पे, माफ करिएगा, सो लेट मी ड्रॉप इट और यहाँ पे लिख लेते हैं कल के लिए, ये वैलिड है 606 पे हम काम कर रहे हैं।
ऊपर की तरफ गया तो 655-713 का लेवल मिल सकता है और नीचे की तरफ आया तो 499-510 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट 550 के आसपास में अगर आप आ जाते, 557 के आसपास में आप आ जाते तो ये भी एक टारगेट पकड़ के चलिए नीचे की तरफ में। ये हो गया मुथूट फाइनेंस। लेट्स टॉक अबाउट जस्ट डायल। जस्ट डायल के अंदर में पोजीशन अच्छी बनती हुई दिख रही है लेकिन यहाँ पे कैंडल कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। सो अगर किसी भी तरह की रिकवरी देखने को अगर और मिलती है तो जस्ट डायल के अंदर में आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पे 311 का टारगेट लेके एक बार काम कर सकते हैं, 311 का टारगेट लेके काम कर सकते हैं। फिलहाल हम 288 के ऊपर में है और अगर नीचे की तरफ हम जाना चालू किए मैं तो नीचे की तरफ आपको 252 एक बार और देखने को मिल सकता है, 250। सो इन केस ऑफ एनी पुल बैक 311, इन केस ऑफ एनी फॉल 252। सो व्हेन टू डिसाइड कि मैं फॉल के लिए काम करूं कि पुल बैक के लिए, अगर 274 के नीचे मिलता है लगभग, लेट्स से अगर 270, हाँ सो अगर 274 के नीचे मिलता है 274, सो इस टारगेट के लिए हमें जाना चाहिए 274 के लिए, तो इस टारगेट के लिए जाना चाहिए। दिस इज अबाउट दी मुथूट जस्ट डायल। लेट्स टॉक अबाउट अनदर स्टॉक विच इज श्रीराम ट्रांसपोर्ट। बेसिकली श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बढ़िया ऊपर चल रहा है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। 759 का टारगेट लेके एक बार मैं कल के दिन में काम करूंगा अगर मार्केट के अंदर में मुझे रिकवरी नजर आई, तो 759 एक बार रेजिस्टेंस यहाँ से देखने को मिल सकता है। फिलहाल हम 651 पे काम कर रहे हैं तो लगभग 100 पॉइंट्स देखने को मिल सकता है आपको। एक और 759 एक टारगेट हो सकता है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको 680 के आसपास में कुछ दिखे रेजिस्टेंस यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है एक बार। तो फर्स्ट टारगेट आप 680 का मान के चलिए एंड सेकेंड टारगेट 759 का। अगर नीचे जाने की शुरुआत होती है तो अच्छा, इसके लिए 586 का मैं स्टॉप लॉस लगा के काम करूंगा। ओके, अगर नीचे जाने के लिए काम होता है 586 के नीचे मिलता है तो मैं 525 का एक बार टारगेट लूंगा, उसके लिए काम करूंगा और सेकंड टारगेट मेरा 447 का हो सकता है। सो ये बहुत डीप टारगेट है तो 525 के टारगेट के लिए काम करेंगे। इन केस ऑफ फॉल ये पॉसिबिलिटी है, इन केस ऑफ पुल बैक ये पॉसिबिलिटी है। लेट्स टॉक अबाउट अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल के बारे में ऑलरेडी हमने बात किया हुआ था, अपोलो हॉस्पिटल में हमारा कॉल भी हमारा अच्छा हुआ था, लेकिन यहाँ पे अब जो लेबल्स नजर आ रहे हैं 1291 से लेके ये 1281 ये ऑलरेडी हमने पहले का हमारा ट्रेड था उसके बारे में। सो 1291 का एक बार टारगेट यहाँ पे नजर आ रहा है, एक बार रेजिस्टेंस फेस हो सकता है 1291 के लिए और फिलहाल हम 1215 पे काम कर रहे हैं। सो लगभग 80 पॉइंट्स के, लगभग 75 पॉइंट्स के हम बात कर रहे हैं यहाँ से। ओके, अगर नीचे की तरफ हम जा रहे हैं तो नीचे की तरफ 1150 का टारगेट एक बार देखने को मिल सकता है। लास्ट स्टॉक आज के लिए जो लेके आए हैं, लास्ट स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल ही था। सो दोस्तों वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे शेयर थे HDFC लाइफ, मैंने पोर्टफोलियो के लिए रिकमेंड किया था, मैंने इंफोसिस रिकमेंड किया था, जिस लेवल पे हमने रिकमेंड किया था वहां से 100-100 पॉइंट, लगभग 100-100 पॉइंट के ऊपर काम कर रहे हैं वो। सो दोस्तों वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो में आपको कुछ पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। एट द सेम टाइम अगर आपने कोई पोजीशन बनाई हुई है कहीं पे और उस पोजीशन, सो कृष्णा जी थैंक यू वेरी मच योर न्यू सब्सक्राइबर। ओके, अगर आपने कोई पोजीशन बनाई हुई है और उस पोजीशन के बारे में आपको कोई भी व्यू चाहिए सो आप डेफिनेटली मैसेज में हमारे जाके कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं, हमारा जो भी अनबायस्ड व्यू का उसके ऊपर में हम आपको अपना राय रखेंगे। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे टुमारो। गुड नाइट।